सोलन शहर के माल रोड पर अतिक्रमण लगाने वाले लोगों पर नगर परिषद द्वारा शिकंजा कसा गया। कमेटी के कर्मचारियों ने माल रोड से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने पर रेडी फेड़ी लगाने वाले लोगों ने विरोध किया और कर्मचारियों के साथ बहस करने लगे, लेकिन नगर परिषद ने कार्य जारी रखा व विरोध करने वाले लोगों का सामान जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी कमेटी की यह कार्यवाही जारी रहने वाली है। गौर रहे कि प्रशासन द्वारा शहर के माल रोड को नो वेडिंग जोन घोषित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थान पर लोग अतिक्रमण लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रतिदिन माल रोड पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा माल रोड में कई बार अतिक्रमण को हटाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर लोगों द्वारा फिर से रेडियो को लगाया जाता है। नगर परिषद के सैनिटरी इंस्पेक्टर करमचंद वर्मा ने बताया कि आज माल रोड से अतिक्रमण हटाया गया तथा आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि माल रोड पर दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जो कि नगर परिषद कर्मियों के मना करने पर भी अतिक्रमण को नहीं हटा रहे हैं। उन लोगों का सामान भी जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका ये अभियान आने वाले समय में भी इसी तरह जारी रहेगा। प्रशासन के आदेशानुसार माल रोड पे जिन लोगों द्वारा रोड या नाली पर अवैध रूप से सामान रखा गया था, उसको हटाने की एक मुहिम चलाई गई, क्योंकि सोलन की जनसंख्या को और ट्रैफिक को देखते हुए यह प्रशासन ने यह कदम लिया है। आगे ऐसी ही कार्रवाई अगर नहीं मानेंगे लोग, तो प्रशासन के आदेश है कि हफ्ते में दो बारी ये मुहिम चलनी चाहिए। आज चेतावनी दी, उसके बाद सभी व्यापारियों को नोटिस दे दिए जाएंगे। फिर भी लोग नहीं मानेंगे तो नियम के अनुसार, जैसे कि अगर किसी का बाहर सामान मिलेगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सामान नहीं अंदर रखा, कुछ एक रेडी फेडी वाले ऐसे थे जिन्होंने जिद करके अपना सामान बाहर रखा, उन लोगों का सामान भी जब्त किया गया।